और देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा गांव वाले हैं, लगता है भीड़ लगी है। ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा आगे तक ये वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया है वहाँ पे, जैसा कि दिख रहे हैं आप। ये पूरा देखिए कि यहाँ से लेकर पूरा आगे तक घेर दिया गया है इसको, ये देखिए पूरा यहाँ से। आप लोग अभी जा रहा है? अरे हम लोगों का तो ही गए, पहले से ही गया है 30 बीघा। अच्छा 30 बीघा आप लोग गया है, तक मुआवजा मिला आप लोग को? 12.60 दिए हैं, पीछे का 9 दिए हैं। अच्छा 12.60 पीछे का 9 दिए हैं। अच्छा मतलब एक बराबर नहीं दे रहे मतलब। नमस्कार मित्रों, की नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में वो दिखाने वाला हूँ आपको गंजारी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो काम चल रहा है इस समय, उसी का अपडेट दूंगा। और बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो करीब 400 करोड़ की लागत से इसका निर्माण का कराया, करीब 30 महीने में इसको बनाने का मतलब ठेका दिया गया है, जो कि L&T कंपनी को दिया गया बनाने के लिए। इसके बन जाने से काफ़ी दूर के जिलों को भी आसान हो जाएगा यहाँ पे क्रिकेट के लिए, और करीब 30,000 की क्षमता का लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। वैसे तो बनाना चाहिए तो काफ़ी बड़ा बनाना चाहिए, 30,000 काफ़ी छोटा होता है, आप समझ सकते होंगे जिनको पता होगा। तो जब बन ही रहा था थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। और इसमें बहुत सारे रिंग रोड किनारे बन रहा है, तो बहुत सारे होटल वगैरह भी खुलेंगे जैसे यहाँ बता चुका हूँ आपको। और जहाँ स्टेडियम बनेगा वहाँ पे आपका 40 स्टेशन भी रहेंगे, बस स्टेशन रहेंगे, बहुत सारी फैसिलिटी दी जाएगी। और चलते हैं दिखाते हैं वो कितना काम हुआ है वहाँ पे इस समय। अगर ऐसा रोड मिल जाए सिटी में भी तो दिल खुश हो जाए, लेकिन सिटी का रोड ऐसा है नहीं ना। योगी जी तो बोले कि पूरा गड्ढा मुक्त होना चाहिए, लेकिन गड्ढा मुक्त हुआ नहीं बनाना सभी। देख रहे गाड़ी मेरी चल रही है 60+ चल रही है, लेकिन पता नहीं चला कि 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही है मेरी ओला S1 Pro। बस इसका हर जगह खुल जाए 40 स्टेशन तो मज़ा आ जाए। ये ब्रेकर बनाया गया है यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि ये मुड़ने वाला स्थान है इसलिए ब्रेकर रखा गया है यहाँ पे। बीच रोड पे ब्रेकर नहीं मिलेगा आपको। और कितने लोग की किसान की ज़मीन भी गई, गवर्नमेंट ने ख़रीदा है, क्या मस्त लग रहा है एकदम। लेकिन सुबह मौसम काफ़ी बढ़िया था, इस समय देख रहे धूप काफ़ी तेज़ हो गया, लग रहा है कि धूप निकलेगा ही नहीं, थोड़ा ठंडा मौसम था सुबह। देख रहे कितना चला रहे हैं लोग, अपनी गाड़ी जो जल्दी 60 बस से जाते थे, नहीं चला रहा हूँ यहाँ पे। इतनी तेज़ी पिकअप है ना कि तुरंत मारेंगे एक्सीलेटर, बहुत तेज भागती है ये। गंजारी गांव बनास में पहला स्टेडियम बन रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। जब मैच होगा यहाँ पे दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए यहाँ पे। बाकी अभी क्या रहा कमेंट में कमेंट जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पेट्रोल पंप भी अब हर जगह खुलने लगा है यहाँ पे, ये भी खुला सामने खुला हुआ है पेट्रोल पंप। ये छोटे पेट्रोल पंप उतना नहीं था, देखिए अब खुलने लगे धीरे धीरे पेट्रोल पंप। लेकिन इस रोड पे भी ये मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था, 1.5-2 साल तो हुआ है अभी, लेकिन इस काफ़ी पैचिंग मारा गया इस रास्ते पे। इसका क्या अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ चैनल पे मेरे है। देखिए हम लोग आ गए गंजारी में, आ गए सामने देख रहे काम चल रहा है वहाँ पे। और कार्यालय भी बना गया वहाँ पे, चलिए देखते हैं वो दिखाते हैं आपको चल के। ये देखिए मतलब पूरा इसको ग्रीन मेट से घेर दिया गया है। ये देख रहे हैं भीड़ लगी है यहाँ पे, अब ये किस चीज़ की भीड़ लगी है अब देखने वाली बात होती है।
और देख सकते हैं कि यहाँ पे लग रहा गांव वाले हैं, लगता है भीड़ लगी है। ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा आगे तक ये वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाया गया, वहाँ पे जैसा कि दिख रहे हैं आप। ये पूरा देखिए यहाँ से लेकर पूरा आगे तक घेर दिया गया इसको, ये देखिए पूरा यहाँ से। अभी देखिए कब से काम स्टार्ट होता है यहाँ पे, लेकिन अपडेट देता रहूँगा आपको। यहाँ का पूरा आगे तक घिरा गया ये, और सामने रिंग रोड किनारे एकदम भाई ये बन रहा है। उस दिन जब मैं आया था, मैं 2 दिन पहले तो यहाँ पे जेसीबी चले, लेकिन जेसीबी समय नहीं चल रही, बंद है जेसीबी। ये देखिए अरे भीड़ लगी यहाँ पे, यहाँ से लेकर पूरा आगे तक कोशिश करूँगा, आगे तक भी चलूँगा, दिखाऊँगा आपको मैं। इस पूरा जेसीबी की मदद से इसको प्लेन किया जा रहा था, पूरा समतल किया जा रहा था। और सामने देख सकते हैं कि वो वहाँ पे था, उसको तोड़ा गया, वहाँ पे मकान टाइप का था, उसको तोड़ा गया है। चलिए चलते थोड़ा सा आगे, यहाँ से हम लोग नीचे नीचे दिखाते हैं आपको चल के। ये देख रहे हैं कार्यालय बनाए गए यहाँ पे, इस साइड तक। ये पूरे ग्रीन मेट से इसको घेरा गया है। चलिए थोड़ा दादी जी से पूछे यहाँ पे, कुछ बताया कोई? चाची जी बतावा कि आप लोग कभी जमीन गया है क्या इसमें? आप लोग कभी जमीन गया इसमें? अच्छा, ये लोग गंजारी गांव गया ये। अच्छा, हाँ अच्छा, अभी आप बढ़ाएंगे मतलब कहो चाचा। आप लोग अभी जा रहा है? अरे हम लोगों का तो ही गया, पहले से ही गया है 30 बीघा। अच्छा 30 बीघा आप लोग गया है, तक मुआवजा मिला आप लोग को? 12-60 दिए हैं, पीछे का 9 दिए हैं। अच्छा 12-60 पीछे का 9 दिए हैं। अच्छा मतलब एक बराबर नहीं दे रहे, मतलब बराबर ये दे ही नहीं रहे हैं कि एक बराबर दें। अब देखिए अब इधर का भी बाउंडेशन कर दिए हैं तो 12 दे रहे हैं, तो ये 20 दे रहे होंगे ना? 12-13 का 20 दे, 20 दे रहे हैं ये, मतलब जितना रहा हिसाब से दिए होंगे। बताइए इस रोड की जमीन माने रोड हाईवे से? हाँ हाँ, 12 लाख का है ये। आप नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये 12 लाख है। नहीं नहीं, जमीन आपका माने है ये 12 लाख है? नहीं 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 नहीं, ये तो सामने रिंग रोड किनारे आ रही है ना ये, सरकार उनकी लाठी उन्हीं की भैंस। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं आप, वो जो चाहेंगे जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो कहा इतनी बुढ़ी का गांव है, इतनी बुढ़ी का ये गंजारी तो मकान का भी जाएगा क्या चाचा? और लॉबी हम लोग का देखिए क्या है भाई, उनके आपसे एक बात कह रही उनकी। हाँ वो तो है ही, वो जहाँ तक जाएंगे तहाँ तक गिरवाते चले। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे मतलब, बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी तो 2000 से कितना माने 200 पूरा, इतना जो जमीनियाँ जो है ये जगह घेरे हैं, तो कितना पूरा टोटल ये कितना होगा मतलब? ये 51 बीघा। अच्छा 51 बीघा ये तो मतलब है ये। अच्छा देखने देखने में नहीं लग रहा है 51 बीघा है। 51 बीघा है कितना माने आप देखने में खाली दिखा? हाँ देखने थोड़ा छोटा लग रहा है मतलब देखने में, बीच में हिल जाएंगे। हाँ इसका मालूम है, पता चल जाएगा अभी जो घटेगा बढ़ेगा। ये मतलब इतना नापी कर दिए, नापी देके इसको ग्रीन मेट लगा दिए हैं। इतना माने तैयारी कर रहे हैं चाचा, ये सब मकान जो सामने ये सब भी जाने का विचार है क्या? जाने का विचार तो हमने का तो वादिया में बा मोदी जी देले बा ना जेकर लाठी उनके चाचा कोई देखे जिसका लाठी हुई
तो लेकिन चाचा मकानवा जाकर पैसा तो मिलवा करेगा आपसे कहने वो देंगे कि क्या देंगे कि नहीं तू भाई जब देंगे जरूर देंगे। अरे कह दिए कि आबादी में साले बनाए हुए तुम लोग मेरी जमीन है बहुत करोगे ले लो 2 लाख चल ले भगाओ। लेकिन पेपरवा दिखाएंगे लोग ना मतलब जो होगा लोग घर का होगा तो उससे तो मान करेंगे ना करे ना रही सरकार नहीं दे सकता भाई दे तब ना कही जनता दे है लिखाइया रही है सजा जी आप लोगों को पैसा मिल गया कि नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं आप लोगों को मिल गया है अभी हम लोगों का पुराना हिसाब हो गया है हो गया हिसाब नए हिसाब में वो आ रहे हैं देखिए क्या करते हैं वो अभी तो आए थे मुख्यमंत्री जी अच्छा मोदी जी आए थे 24 तारीख में बड़ा गजट किए हैं अच्छा 17 करोड़ रुपया रखे हैं यहाँ से लेके कई गांव तक के लिए स्कूल बना दिए हैं एकदम लिस्ट लगा दिए हैं एक नंबर लगा दिए हैं कि वो रजिस्ट्री नहीं होगी हाँ पहले से हम लोग दोस्तों आप बताइए कि यदि हमारे घर में मुर्दा पड़ा रहा हम किसान आदमी सही बात यदि मुर्दा पड़ गया लड़का बीमार हो गया एक्सीडेंट हो गया है अब आप हम लोग तो एकाध बिस्सा बेच कमाई है एकाध बिस्सा किसी को बेच के तभी तो मुर्दा उठाएंगे सही बात है वो भी आप बंद कर दिए हैं सही बात अब भीख मांगने से भी नहीं मिलेगा जी जी भाई आदमी कर देगा लेकिन उनका चिट्ठी विट्टी करा बदल कर फिर कहाँ बेचल जाए। अच्छा जा ये बन रहा है तो आप लोग के हिसाब से मतलब कैसा ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बनना तो भाई देखिए ये देश का तो विकास करें हाँ। लेकिन अगल बगल जनता को भी आप सोचिए कि उन बेचारों का क्या होगा हाँ। पास कुछ नहीं है जी जी इतना खाने का पूंजी था जी पैसा तो है पैसा घर में आया पैसा आज तक किसी के पास रुका जी जी बहुत बात सही है पैसा लगा पैसा नहीं 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 और जब पैसा नहीं रुका है लड़के नंबर एक का है यदि नंबर दो का शराबी कबाब है तो बाप का हत्या भी कर देंगे। अरे पीएम मोदी भी अगले माह आने वाले हैं अक्टूबर में इसका शिलान्यास करेंगे भाई शिलान्यास जब देश का नाश होने वाला है तो शिलान्यास होता है। ये तो है हम लोग का दियावा बतियावा मत हम लोग के घर दुआर नहीं है हम लोग के दियावा का आबादी हम लोग लेके हम लोग घर हाथे में छोड़ो वो तो गवर्नमेंट का हाथ है भाई और क्या अब वो जैसे खिलाएंगे उसे हम लोग खेलेंगे वहाँ पे गांव वाले जुटे बातचीत हो रही है माने साफ हो रहा है हाँ उधर गार्ड बैठा हुआ है कम से कम हम लोगों को पछुआ कर देना चाहिए सही बात अरे नहीं फिर अब हम लोग देखिए कम से कम 2 बीघे का खपा है 2 बीघे में हम एक बिस्सा जमीन नहीं बेच पा रहे हैं सही बात है रुक कर्ज वाले तो आए रहे या तो आत्महत्या किया जाए या तो उनके सामने मुड़ी नीचे करके जिया जाए जी भाई कर्ज आपका यदि कर्ज लिया तो आप तो हमारे खोपड़े में जी 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 अरे गुरु जी पता नहीं आपको खुली की न खुली जी सरकार ले की न ले जी जी अब हम लोग सारे कठपुतली के तहत ताक रहे हाँ यार खुलने दीजिए अरे बतावा आप खले रहे कि हम बेच के जमीन दे अरे कहाँ न बिका था न सर्वाधी याद था यह उनका रिया लफड़ा पाल अरे खोल देना चाहिए भाई जो छोटे तबके के हैं 2 बिस्सा 4 बिस्सा अपना जमीन बेच के अपना हटा के अपना काम कर सकते तो कुछ इनको सही बात व्यवस्था करना चाहिए इसे पूरा आगे तक घेरा गया है ना ये पूरा वहाँ तक थोड़ा देखें आगे तक देखिए क्या होता है चलिए दो इन लोगों का थोड़ा सा राय था लिया हूँ मैंने ये देखिए पूरा यहाँ तक घिरा गया है चलिए थोड़ा सा चलते हैं गांव के साइड दिखाते हैं आपको देख रहे हैं यहाँ तक पूरा ही घिरा गया है ये पूरा इस ब्राउंड्री तक मैं आ गया हूँ अरे पूरा वहाँ तक गिरा गया ये आगे का रास्ता ख़राब भी है ये देख रहे हैं पूरा यहाँ तक ये पूरा गिरा गया है यहाँ से लेके पूरा आगे तक और सामने का जो वो है मकान तोड़ दिया गया है जैसे बताया मैं आपको